अम्बाला में आज पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट लघु सचिवालय के प्रांगण में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर आज आचार संहिता लग गई है, जिसको देखते हुए अनिल विज पहले ही ये काम पूरा कर लेना चाहते थे। उधर हरियाणा में आज कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना थी। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट में शहीद आजम की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि अम्बाला में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला कैंट लघु सचिवालय के प्रांगण में शहीद आजम शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी के मुख्य द्वार पर अमर सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया है। ये प्रतिमा लगभग 65 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि हमने ये उन्हीं कलाकार से बनवाई है जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई हुई है। भगत सिंह की प्रतिमा हमेशा लोगों को याद दिलाती रहेगी कि इस देश को कुर्बानियां देकर आजाद कराया गया है। अनिल विज ने कहा कि मुझे लगता है कि लोग शहीद आजम भगत सिंह को अपनी आंखों के सामने रखकर चलेंगे तो गलत काम करते हुए उनकी हिम्मत नहीं होगी। इस प्रकार से सन 1857 की पहली आजादी की लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी, उसमें शहीद होने वाले हजारों योद्धाओं की याद में जीटी रोड पर अंतर्राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। अम्बाला छावनी शहीदों के प्रति नतमस्तक है, लोग शहीदों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले, यही हमारी कोशिश है। अम्बाला छावनी के मुख्य द्वार पर अमर सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया है। ये लगभग 65 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई है और हमने ये उन्हीं कलाकार से बनवाई है जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई हुई है। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लोगों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इस देश को कुर्बानियां देकर आजाद कराया हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर लोग शहीद आजम भगत सिंह को अपनी आंखों के सामने रखकर चलेंगे तो गलत काम करते हुए उनकी हिम्मत नहीं होगी। हमने ऐसे ही अम्बाला छावनी के हार्ट में हमने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई, वो भी वहीं से बन के आई थी और वो भी लोगों को प्रेरित करती है कि इस देश पर हुकूमत करने वाली अंग्रेजी शासन, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, उसके खिलाफ सशस्त्र युद्ध करके भारत को आजाद कराया। इस प्रकार से जीजी रोड के ऊपर हम जो आजादी की पहली लड़ाई हुई थी 1857 की, वो अम्बाला छावनी से आरंभ हुई थी, उसमें भी हजारों लोग शहीद हुए, उनको सम्मान देने के लिए उनकी याद में एक 500 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम स्मारक बनवा कर दे रहे हैं। अम्बाला छावनी शहीदों के प्रति नतमस्तक है और पूरी तरह से ये शहीदों द्वारा बताए गए रास्ते पर लोग चलें, यही हमारी कोशिश है।